सो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है विवेक और आज बहुत ही ज़्यादा अच्छी न्यूज़ अब मैं आपको सुनाने वाला हूँ। पर गाइस, आपको बहुत ज़्यादा दुख भी लगेगा ये न्यूज़ सुन के। आप बोलोगे क्यों? क्योंकि गाइस, ये ऐसी न्यूज़ है ही, मतलब अगर आप सोचो, अगर आप एक बिलोंग करते हो, एक ऐसे स्टूडेंट हो जो क्लास 12 पास कर चुका है या फिर क्लास 12 में है, या फिर एक ऐसे स्टूडेंट हो आप जो 11 पे गए इस साल, या फिर आप कॉलेज लाइफ में हो, गाइस सबको ये सुनकर दुख ही लगेगा। क्योंकि मैं गाइस आपको ऐसी न्यूज़ बताने वाला हूँ। गाइस, मुझे तो बहुत ज़्यादा जलन फील हो रहा है, मुझे बहुत ज़्यादा जेलस फील हो रहा है आफ्टर दिस न्यूज़। बहुत ज़्यादा खुशी भी है क्योंकि मैं चाहता हूँ कि इंडियन यूथ की बहुत अच्छी ग्रोथ होगी इससे। दैट इज़ गाइस की नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो लॉन्च हुई है, गाइस कुछ ऐसी ही खबरों के साथ लॉन्च हुई है। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप अपनी अभी जो क्लास 12 दिए थे 10+2, वो सारी चीज़ें बंद हो गई, अब शुरू हो गया 5 3+3+4। अगर आप चाहे अपनी कॉलेज लाइफ के बीचों बीच में अपने कॉलेज को ड्रॉप आउट कर दें और उसके बाद वापस से कॉलेज जाना चाहें, ईजिली आप कॉलेज जा सकते हैं। मतलब आप कोई भी आज़ादी मिल चुकी है, इतनी लिबर्टी मिल चुकी है कि बहुत ही अच्छी बात है। मतलब अगर आप सेकेंड ईयर पे छोड़ देते हो और बाद में सोचते हो मैं थर्ड ईयर में वापस से जाऊंगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं था। आगे बार आपको ऐसे नेशनल या NOIS बोर्ड लेना पड़ता था, पर यहाँ पर गाइस कुछ भी नहीं है, आप वहीं पर पढ़ सकते हो। बहुत ही अच्छी एजुकेशन पॉलिसी में चेंज आई है। दैट इज़ गाइस बहुत ज़रूरी भी थी ये, क्योंकि गाइस इससे ना लिटरेसी रेट बहुत बढ़ेगा। आप विश्वास करो, इससे लिटरेसी रेट बहुत बढ़ेगा। अब हर एक चीज़ मैं आपको पॉइंट डाउन करके कुछ कुछ चीज़ें बता देता हूँ। अगर आपको डिटेल्स में पूरा जानना है तो आपको डिस्क्रिप्शन में एक PDF मिलेगा, एक है डिटेल PDF वाला और एक है आपको जो असली PDF है जो लॉन्च हुई है वो आपको मिल जाएगी। अब गाइस, प्राइम मिनिस्टर के साथ कैबिनेट मिनिस्टर्स लोग ने मिलके ये सारी चेंजेस लाई हैं और ये बहुत ज़रूरी थी। गाइस ये पॉसिबल है क्योंकि गाइस बहुत सारे ऐसी न्यू चेंजेस हैं जो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी और पॉसिबली हो चुकी है ये। दैट इज़ गाइस ये सबसे पहला चेंज जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आया, दैट इज़ गाइस 5+3+3+4, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी चेंज है। क्योंकि गाइस 5 ईयर्स तक एक स्टूडेंट को वो सारी चीज़ें पढ़ाई जाएंगी जो बेसिकली इंपॉर्टेंट है, जैसे कि उनको लैंग्वेज सिखाया जाएगा, उनको अपनी मदर लैंग्वेज पे भी सिखाना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मुझे पसंद आया, अभी मैं वो 5+3+3+4 को हटा देता हूँ, वो गाइस कि आपको नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पाली ने ये डिसाइड किया है कि संस्कृत भी सिखाया जाएगा और उनको जो अपनी मदर लैंग्वेज है उनमें ज़्यादा फोकस किया जाएगा। देखिए गाइस, इंडिया जो ऐसी कंट्री बन चुकी है जहाँ पर ऐसा लगता है कि हमारा लैंग्वेज डूब चुका है और जो इम्पोर्टेंट है वो है इंग्लिश, हर जगह इंग्लिश। एक बंगला मीडियम का स्टूडेंट जो टॉपर है, वो उसका टॉपर का घैम किस लिए है? क्योंकि घैम अच्छे बाबा, आमी तो इंग्लिश जानी, अरे हिंदी मीडियम, अरे इंग्लिश आता है भाई को, भाई स्क्वैग है मेरा, इंग्लिश का क्या करोगे अचार? सिंपली बात है, इंग्लिश का क्या करोगे अचार? नौकरी मिल जाएगी, आप वहाँ इंग्लिश में बात कर पाओगे। फॉर इम्पोर्टेंट क्या है इसमें? आपकी लैंग्वेज डूब रही है, ये इम्पोर्टेंट है। नहीं गाइस, हमारी लैंग्वेज जो है वो हमारी लैंग्वेज है। इसमें अगर आपको बुरा लग रहा है तो बेटा कुछ नहीं उखाड़ सकते आप, क्योंकि मुझे अपना लैंग्वेज बहुत ज़्यादा पसंद है। ठीक है, मैं हिंदी बोल रहा हूँ, मुझे पसंद है, क्या कर लोगे? कुछ कर पाओगे क्या? हर वीडियो आप देखते हो वो हिंदी पे ही देखते हो और सीखने के लिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था गाइस कि आपको हिंदी लैंग्वेज इंट्रोड्यूस की जाए, संस्कृत इंट्रोड्यूस की, वो हमारी भारतीय लैंग्वेज है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो, और बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। तो वो सारी चीज़ों पे ज़्यादा फोकस किया जाएगा। एक स्टूडेंट अपनी लैंग्वेज पे अपने आप को इंट्रोड्यूस करना बहुत ज़रूरी है, वो इंपॉर्टेंट होनी चाहिए, और इंग्लिश भी सीखना चाहिए। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ मुझे और भी पसंद आई, दैट इज़ गाइस क्लास 6 से कोडिंग सिखाई जाएगी। कोडिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गाइस कोडिंग जो है आपकी लॉजिकल थिंकिंग को काफ़ी बढ़ा देता है। मैं बात करूँ अपनी कोडिंग की, तो मैंने कोडिंग क्लास 9 से शुरू की थी, जिससे कि गाइस देख सकते हो मेरा ग्रोथ रेट उससे ज़्यादा स्लो होगा। जो 6 से सीखेगा उससे तो मेरा ग्रोथ रेट काफ़ी स्लो होगा। एक स्टूडेंट जो 6 से सीख रहा है, उसे कोडिंग के बारे में पता है, वो चाहे तो जल्दी से 2-3 लैंग्वेजेस सीख के घुस सकता है कॉलेज, इसके लिए उसके बहुत बड़ा एडवांटेज है। फॉर एग्जांपल मेरे से, मैंने तो सिर्फ एक लैंग्वेज सीख के घुसा था, उसके बाद मैंने 2 लैंग्वेज यहाँ कॉलेज में सीखा, वो वहाँ से ही 3-4 लैंग्वेजेस सीख के आ सकता है। जैसे कि एक स्टूडेंट बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हो सकता है, मतलब वहाँ से आया कोडिंग सीख के, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 6 से कोडिंग इंट्रोड्यूस की गई है, बहुत ही अच्छी बात है। अब गाइस जो 11 और 12 का जो प्रेशर होता है, फॉर एग्जांपल गाइस मेरी बात कर ले तो मैं क्लास 10 में अच्छे परसेंट लाके, मतलब 90% लाके, जब मैं क्लास 11 पे गया तो 11 पे जाकर मैं देखा ये क्या हो रहा है भाई, ये कौन से किताबें हैं। और गाइस सच बात बताऊँ तो मैंने एवरेज ही पास किया था फिजिक्स केमिस्ट्री में, और मैथमेटिक्स में फेल हो गया था फर्स्ट ईयर के फर्स्ट टर्म पे,
मतलब 11 के फर्स्ट टर्म पे, और उसके बाद गाइस जब मैं इसमें गया सेकंड टर्म में तो जनरली ऐसे ही पास हो गया। अब 11 में 12 में गाइस मैंने जब बोर्ड्स के रिपोर्ट आए तो मैं सेकंड आईएएस था स्कूल का। तो गाइस ये सारी चीज़ें थी कि मुझे सीखने में काफ़ी टाइम लग गया, मुझे अडेप्ट करने में काफ़ी टाइम लग गया। तो इस जगह पर गाइस आपको क्या है ना कि अगर इस प्रेशर को पहले ही बता दिया जाए कि 11 में इतना प्रेशर आ रहा है, तो 9, 10, 11, 12 चारों में डिवाइड कर दिया गया प्रेशर, तो बहुत ज़्यादा अच्छा बात है। और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है गाइस कि हम लोग जो पढ़ते हैं ना 11, 12, फाइनली 11 का रिपोर्ट कोई नहीं दिखता, 12 का रिपोर्ट कोई नहीं दिखता, और फाइनली अगर हम दो दिन में क्या कमाल कर देते हैं, सोचिए मम्मी की दुआ काम आ गई या फिर भगवान का चढ़ावा। लास्ट डे अगर आपका दोस्त का आपसे ज़्यादा नंबर आ गया तो बेटा वो बन गया सुपर हीरो, आप बन गए एक जीरो। तो ऐसी जगहों पर गाइस बहुत ही अच्छी ज़रूरी बात यह है कि चढ़ावा की जगह अभी इंटरनल असेसमेंट ली जाएगी, बीच बीच के नंबर्स भी इंक्लूड किए जाएंगे। अब बहुत ज़्यादा ज़रूरी ये बात है कि गाइस हम जो बचपन से सीखते आ रहे हैं वो है रटन विद्या, हम हमेशा रट के चले जाते हैं एग्जाम्स में, यार दे देते हैं एग्जाम्स और हो जाता है नंबर, आ जाते हैं कुछ अच्छे नंबर्स। पर यहाँ पर गाइस फोकस की गई है कि बचपन से ही आपको ऑब्जेक्टिव टाइप्स की प्रैक्टिस की जाए। जैसे कि जब आप यूपीएससी देने जाते हो तो क्या आपको मिलता है कुछ लिखने को, मतलब मैक्सिमम मिलता है आपको जब आपके एग्जाम्स में होंगे, पर गाइस यहाँ पर आप अगर देने जाते हो जेईई ये सब, यहाँ पर आपको कुछ मिलता है नहीं, क्योंकि आप उसे प्रैक्टिस नहीं हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल मी, मैंने कभी कोई ये सारी एडुकेशन इंस्टीट्यूट्स में पढ़ाई नहीं की, मुझे कुछ पता ही नहीं था। इवन फॉर एग्जांपल आपको तो बहुत अच्छी नॉलेज है, मैं सच बात बताऊं कि जब मैं फर्स्ट टाइम जेईई देने गया था तो मैंने फर्स्ट टाइम अपने लाइफ में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से इतना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से कभी इंट्रोड्यूस्ड हुआ मैं तो खाली पाँच नंबर की आदत थे बी, ठीक है। ऐसे वाले बच्चे अगर फाइनली जेईई देने चले जाएं तो उनका रैंक मेरे जैसा ही आने वाला है। तो इसी जगह पर गाइस आपको भी अच्छी बात है कि आपको इंट्रोड्यूस्ड किया जाए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन से, जैसे कि आपकी ग्रोथ काफ़ी रेट बढ़े। अब गाइस एक और चेंज जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई, दैट इज़ गाइस अबाउट यूजीसी और जो सारी चीज़ें हैं एआईसीटीई, वो सारी एक जगह पर हो जाएंगी, जिससे कि एडुकेशन पॉलिसी में कुछ ज़्यादा चेंजेस माने उतना ज़्यादा डिफरेंस ना लगे। और आर्ट्स कॉमर्स ये जो स्ट्रीम्स थे, स्ट्रीम्स को भी अलग कर दिया जाएगा, वो एक स्टूडेंट जो चाहे वो चीज़ें ले सकता है। फॉर एग्जाम्पल मी, मेरे को बहुत ज़्यादा मेरी कम्युनिकेशन स्किल वीक थी जब मैं बचपन में था, तो इस कारण से मुझे डिबेटिंग करने का बहुत शौक था क्योंकि मैं सीखना चाहता था। जी गाइस देखिए ये दुनिया में पॉलिसी है, अगर आप कोई गेम खेलें उसमें पहली बार हार जाएं तो अब लगता है कि नहीं बेटा मेरे को प्रो बनना है। तो ऐसी जगहों पर गाइस आपको, अगर मेरे को कम्युनिकेशन स्किल वीक थी, मेरे को बेइज्जती होती थी, तो मुझे लगता था नहीं यही चीज़ें करनी है, यही करना है मुझे। तो इसी जगह पर गाइस मैं डिबेटिंग का बहुत शौक था पर मैं कर नहीं पाया। पर यहाँ पर गाइस बहुत अच्छी बात है कि अगर आप साइंस स्ट्रीम से हो तो भी आप जाकर डिबेटिंग ले सकते हो, आप फिजिक्स पढ़ रहे हो साथ में डिबेटिंग करो, आप चाहो तो आप कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें पढ़ लो जैसे कि फिलोसॉफी पढ़ लो, या फिर आप कुछ और भी पढ़ना चाहो तो वो पढ़ लो, जिससे कि बहुत अच्छा होगा, ओवरऑल ग्रोथ आएगी स्टूडेंट्स में और बहुत अच्छी बात है। और भी कुछ चीज़ें जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई, दैट इज़ गाइस एक फाइनेंशियल क्रेडिटल सिस्टम, जैसे कि गाइस कोई भी एडुकेशन स्टूडेंट मतलब कोई भी जगह पर आपको कैश में पेमेंट नहीं लिया जाएगा, जिस बहुत अच्छी बात है, जिससे कि उनको भी अपने टैक्स पे करने पड़े। क्योंकि गाइस अब सोचो फॉर एग्जांपल आप एक एडुकेशन इंस्टीट्यूट में पढ़ने जाते हो जहाँ पर आप जेई की तैयारी कर रहे हो, फटाक से आपको पैसे ले लिए कैश में और आप एक रजिस्टर्ड स्टूडेंट नहीं हो गवर्नमेंट पे, आप वहाँ पर ऐसे ही पढ़ रहे हो। अब फॉर एग्जांपल आप 1000 स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, मैं 100 स्टूडेंट बताकर टैक्स कम दूंगा, तो ऐसी जगह पर भाई टैक्स तो आपसे लेना बनता है। तो ऐसे में आपको हमेशा भीम और ये सब सारी चीज़ों से पेमेंट करना पड़ेगा, नेफ्ट करना पड़ेगा, जिससे कि एडुकेशनल इंस्टीट्यूट में बहुत बड़े चेंजेस आएंगे। और बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल कंडीशंस में एक और भी इंप्रूवमेंट की गई है कि गाइस बहुत सारे स्टूडेंट्स जो बाहर में रहते हैं वो पढ़ने नहीं आ पाते बहुत कारणों से, और इसके कारण से वो पढ़ते नहीं हैं। तो ई क्लासेस की शुरुआत की गई है, जैसे कि एक स्टूडेंट अपनी डिग्री हासिल कर सकता है ऑनलाइन, मतलब एक दिन आके इसको एग्जाम्स देने पड़ेंगे और सारे क्लासेस वो ऑनलाइन कर सकता है, जिससे कि एडुकेशन और लिटरेसी रेट में बहुत बड़ा ग्रोथ आएगा, बहुत बड़ा ग्रोथ। अब दूसरी एक और चीज़ मुझे बहुत पसंद आई, दैट इज़ गाइस एनएसपी के बारे में, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्कॉलरशिप पोर्टल पे, जहाँ पर बहुत ज़्यादा क्या होता था ना, जो भी स्टूडेंट्स एससी एसटी ओबीसी कास्ट से हैं उनको मिल जाता था स्कॉलरशिप, तो वो उन्हीं को मिलेगा। पर बहुत बड़ी चेंज क्या है, फॉर एग्जाम्पल आप एक एससी कास्ट हैं पर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो आप पढ़ना चाहते हो पर आपको वो चीज़ें मिल नहीं पाई फॉर एग्जाम्पल, पर एक स्टूडेंट है जो एससी कास्ट से है पर उसको मिल गया, वो मिल गया पर वो अब कॉलेज नहीं जा रहा, तो इससे तो दोनों का लॉस हो रहा है ना, इससे तो दोनों का लॉस हो रहा है, गवर्नमेंट का भी लॉस हो रहा है, उसका पैसे भी दे रहे हैं और हो भी नहीं रहा। तो इसे रिकॉर्ड करना चाहिए,
जैसे लाइक गाइस यहाँ पर रिकॉर्ड की चेंजेस आई हैं, जैसे कि एनएसपी में रिकॉर्ड होगा, एक स्टूडेंट की प्रोग्रेस रिकॉर्ड होगी। जैसे कि अगर स्टूडेंट फाकी मारना लगे तो ये बहुत जरूरी गलत बात है, इसे फाकी नहीं मारना चाहिए। अगर आपको स्कॉलरशिप मिल रहा है तो आपको पूरा यूज़ करना चाहिए उसका, इस कारण से रिकॉर्ड बनाई जाएगी। अब कैसा कैसे क्या होगा इसके अंदर वो नहीं बताई गई है, पर गाइस रिकॉर्ड ली जाएगी उसकी प्रोग्रेस रिकॉर्ड, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी और बहुत अच्छी बात है, ये रिकॉर्ड मेंटेन की जाएगी। अब गाइस बहुत सारे ऐसे अलग चेंजेस भी आए हैं, जैसे कि अगर आप बीटेक पे या फिर बीटेक नहीं मतलब आप किसी भी बैचलर डिग्री कर रहे हो, जिसमें बहुत ज़्यादा पसंद आया मुझे कॉलेज लाइफ के, कि अगर फर्स्ट ईयर पे करके छोड़ देते हो, फॉर एग्जांपल मेरे घर में बहुत बड़े चेंजेस आ गए, अगर कुछ भगवान ना करे कुछ हो गलत, पर उसी जगह पर अगर मेरे फैमिली में कुछ हुआ तो मैं कहूँ अगर फर्स्ट ईयर में छोड़ना पड़े, बाद में मैं फिर से सेकंड ईयर पे लाना चाहता हूँ, तो मैं 2-4 सालों के गैप लेकर आ सकता हूँ और मुझे फिर से फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो बहुत अच्छी बात है। और सेकंड ईयर पर अगर छोड़ देते तो आपको एडवांस डिप्लोमा की डिग्री मिल जाएगी, और थर्ड ईयर पर आप छोड़ते तो आपको जो बैचलर डिग्री था वो तो मिलेगा ही, पर फोर्थ ईयर आपकी डिग्री होगी, दैट इज़ बैचलर विथ रिसर्च। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है गाइस, इंडिया में रिसर्च की कोई भी ग्रोथ नहीं है। अगर मैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो बताऊँ, BCA वर्सेस BTEC जो मेरा नेक्स्ट वीडियो है, वहाँ पर गाइस आप देख सकते हो कि BTEC इंजीनियरिंग में भी मतलब आपकी कंप्यूटर इंजीनियरिंग में लिखा है कि रिसर्च ओरिएंटेड होना चाहिए, पर यहाँ रिसर्च कुछ है ही नहीं, क्या है रिसर्च का, सब जॉब लेने में पड़े हैं। तो गाइस रिसर्च की ज़रूरत बहुत ज़्यादा ज़रूरी, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं अगर BSc इन मैथमेटिक्स करता हूँ और मैं कुछ रिसर्च नहीं किया, BSc इन फिजिक्स करता हूँ रिसर्च नहीं किया, क्या ज़रूरत है इसकी तब? तो रिसर्च की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये सारे चेंजेस लाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि टीचर्स को बदला जाए, क्योंकि गाइस टीचर्स जो है ना, कुछ ऐसे टीचर्स अभी तक मैं नहीं कहना चाहता टीचर्स खराब है, पर आप एग्जैक्टली जानते हो कि कुछ ऐसे टीचर्स होंगे बेटा रटो और जाओ, ये सारे टीचर्स आपको पक्का मिल जाएंगे अपने लाइफ में और कुछ भी नहीं सिखाएंगे आपको। तो ऐसी जगहों पर गाइस उस टीचर्स को चेंज करने की ज़रूरत है। तो टेक्निकल मैंने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर्स ट्रेनिंग में ये चेंज ली गई है कि 2025 तक वो अपनी चेंजेस ला सकते हैं। और बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी कि गाइस 2018 में जो जनरल इनरोलमेंट रेशियो है वो 26.3% है, जिसे बढ़ाकर गाइस 2035 तक 50% करने की प्रॉमिस की गई है, मतलब करने की बहुत ज़्यादा कोशिश की जाएगी, बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी इसकी, तो ये भी बहुत अच्छी बात है। लिटरेसी रेट इंडिया में बहुत बढ़ेगा, टीचर्स ट्रेनिंग की जाएगी, मोटिवेशनल टीचर्स को लाया जाएगा 2025 तक प्रॉमिस की गई है, वहाँ से मतलब अच्छे टीचर्स को ट्रेन करेंगे जो ये सारी चीज़ें अच्छे से करवा सके बच्चे को, और एक बच्चा ओवरऑल ग्रोथ ले सके, अपनी मनचाहे यूनिक कैपेबिलिटीज़ को निकाल सके अपने स्कूल लाइफ में, और जिससे कि उसका ग्रोथ उसी पर्टिकुलर फील्ड में हो। अब आपको मैंने प्रेशर ना दिया जाए कि आपके इंटरेस्ट हटाकर, जैसे कि मैं हर वीडियो पे बात करता हूँ, आपकी इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, आपकी जो भी आप क्वालिफिकेशन लाए हो उससे 95% लाए हो बहुत अच्छी बात है, कहूँ काम नहीं आएगा समझ के रख लो लाइफ में, कहूँ काम नहीं आएगा एक अच्छे कॉलेज छोड़ के, कहूँ काम नहीं आएगा ये 95% किसी भी जगह पर। अगर कुछ काम आएगा दैट इज़ अबाउट योर नॉलेज, योर इंटरेस्ट, हाउ यू डू योर वर्क। अब गाइस आपको फाइनली मैं कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी यहाँ पर, कि आपको अभी से हो जाना है सतर्क और आपको हो जाना है अभी से रेडी, क्योंकि ये लॉकडाउन का टाइम है और यहीं पर आपको अपने आप को करना है तैयार ये सारी चीज़ों के लिए, क्योंकि ये सारी नई चीज़ें हैं और ये नई चीज़ों से उभर के आएंगे नए टैलेंट्स, और यहाँ पर आपको करना है अपना शुरुआत, अपने कुछ तैयारी, जैसे कि आप अपने लिए कुछ नया स्टार्ट करें, जैसे कि शायद आपने अभी तक कोडिंग की सी भी नहीं सीखी तो आप अपना कोडिंग स्टार्ट करें। अब गाइस एक और भी रिफॉर्म आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि गाइस हमारे चैनल पे आने वाला है 1 अगस्त से कोडिंग के न्यू क्लासेस अबाउट पाइथन, क्योंकि मैंने पूछा था कि आपको चाहिए किसके बारे में वीडियोस, तो आपने कहा मुझे चाहिए पाइथन के बारे में, ये रहा आपके कम्युनिटी टैब पे क्वेश्चन और ये रहा आपके वोट्स। तो पाइथन की क्लासेस शुरू होने वाली है 1 अगस्त से हमारे चैनल पे, आपको शुरुआत करनी है अपनी कोडिंग की, क्योंकि कोडिंग स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप इंजीनियरिंग करना चाहते हो। अगर आप इंजीनियरिंग नहीं भी करना चाहते तो गाइस कोडिंग आपकी जो मेंटल एबिलिटी है, लॉजिकल थिंकिंग है, वो काफ़ी बढ़ाएगी, जिससे कि बहुत अच्छी बात है। अगर आपको ये सारी चीज़ें कि जितने भी मैंने बताया है वो सारी चीज़ें आपको डाउनलोड करनी है तो आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में लिंक, आप प्लीज़ जाकर वहाँ पर डाउनलोड कर लीजिए और देख लीजिए। अगर कुछ मिस कर दिया मैंने तो उसके लिए सॉरी, और बहुत सारी चीज़ों के इंटरेस्टिंग के लिए दो दो लिंक मिलेंगे आपको, एक है ऑफिशियल वाला और एक है आपका ऐसे डिस्क्रिप्टिव में दिया हुआ, जैसे कि आप पढ़ के सीख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों के लिए गाइस हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय गाइज़।